यह दोस्तों आज मैं बात करना चाहता हूं उन नौजवानों की, उन एनसीओस की, उन जेसीओस की जो यूनिटों में रह करके या फॉर्मेशन में रह करके नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन उनका ध्यान घर पर है कि मैं घर कब जाऊं, यानी प्रीमेचर कब खुले। और इसके चक्कर में उनकी जो प्लानिंग है घर आने की, जुलाई 2020 से ठप पड़ी है, बंद पड़ी है। अलग अलग तरह की एडवाइजरी निकलती रहती है टाइम टू टाइम, लेकिन प्रीमेचर पूरी तरह खुला नहीं है। क्या ये प्रीमेचर पूरी तरह आगे खुलेगा? क्या आप ऐसे ही प्रीमेचर के इंतजार में अपना बहुत सारा नुकसान कर रहे हो? आप अपने क्लासेस और जो कैडर है उन्हें सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप अपना प्रमोशन और सीनियरिटी को सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप अपना पे एंड अलाउंसेस को सेक्रीफाइस कर रहे हो? बिल्कुल नहीं करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बिल्कुल नहीं करना। नहीं, प्रीमेचर पॉलिसी कुछ ऐसी आएगी आपको समझ में नहीं आएगी, टुकड़ों में आएगी, जैसे कि अभी चल रही है। एक फॉर्मेशन का एक लेटर है, आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है, किसी एक पर्टिकुलर कोर का है, यानी सप्लाई कोर के लिए। उन्होंने कहा है कि मैं आप प्रीमेचर के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन लाइन में लग गई हैं और वो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और डेट दे रहे हैं दिसंबर 2033, एक्सपेक्टेड डेट। क्या आप इस पे बिलीव कर सकते हो? आज 2022 हुआ है और 2033 यानी आने वाले 11 साल बाद आपकी ट्रेड के हिसाब से वैकेंसी इतनी है और आपकी एप्लीकेशन है, अब आप करिए क्या करोगे? ऐसे ही आपकी एप्लीकेशन है इधर कंसीडर भी हो जाती है और इस तरह की डेट दी जाती है, तो क्या आप इन फ्यूचर किस तरह की नौकरी करना चाहोगे? क्या आप कैडर नहीं करोगे? क्या आप अपना एमएसपी गवाना चाहते हो? क्या आप अपना प्रमोशन गवाना चाहते हो? नहीं दोस्तों, अब रिस्क नहीं लेना है। आपने दिमाग से क्लियर करना है कि नहीं, प्रीमेचर बंद है तो मैं नौकरी तो कर रहा हूं, वैसे भी रो धो के कर रहा हूं, क्यों ना आप हंस के करो, क्यों ना अपने कैडर क्लासेस करो, क्यों ना अपनी रेस्पेक्ट से करो, क्यों ना अपनी सीनियरिटी लेके करो, क्यों ना वो पैसा वो आपका हक है वो लेके करो। दोस्तों आज बात करते हैं छोटी सी आपके साथ, प्रीमेच्योर डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन कंपनसेशन ग्राउंड। आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर 17 अक्टूबर का, ऑल फॉर्मेशन कमांड को सर्कुलेट किया, किसी का भी हो, हम जिस भी कोर में जाओ सबका यही है, या तो ट्रेंड मैन पावर डिफिशियंसी या मैन पावर डिफिशियंसी, आप टेक्निकली चले जाओ या जीडी चले जाओ, हाँ सब जगह ही हाल है। रेफरेंस लेटर सो एंड सो इट इज सबमिटेड दैट एज पर पॉलिसी प्रमुनिकेटेड बाय एजी ब्रांच एडजुटेंट जनरल ब्रांच पीएमआर इज टू बी 0.25%, ओनली 0.25% ऑफ ऑथराइज अब हेल्ड स्ट्रेंथ पर ईयर फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर फ्रॉम 1 जुलाई 2022, एंड 1 जुलाई 2022 से आप समझ सकते हो 1 जुलाई 2024 तक इन्होंने 0.25 ही रखना है। वैसे भी आप ग्राउंड की जो आर्मी में बदलाव की प्लानिंग्स चल रही है, अग्निवीर की प्लानिंग चल रही है, उनके हिसाब से आपको समझना होगा। ये प्रीमेचर की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा उन्होंने एक फॉर्मेट दिया है कि कुछ ट्रेड्स हैं, नॉमिनेटेड ट्रेड, नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी आई है उन्होंने बता दिया है, आपकी वैकेंसी 2 या 3 बन रही है, एक्सपेक्टेड डेट बोल रहे हैं क्वार्टर एंडिंग दिसंबर 2033, क्वार्टर एंडिंग सितंबर 2026, 2028, यानी ये आप 6 और 7 साल पहले कोई आपकी डेट देता है तो वो कोई डेट नहीं, उसमें आप कोई प्लानिंग नहीं कर सकते 6-7 साल में। क्यों? प्रीमेचर जाना आपका हक नहीं है, प्रीमेचर जाना हक नहीं है, लीव भी जाना आपका हक नहीं। कुछ ऐसी कंडीशन और शर्तें हैं, जैसे हम समझ सकते हैं कि इसमें लिखा है फिर आपने किया क्लास कैडर आपने दे दिया नहीं करना, हर जगह अनविलिंग दे दिया, आप सब चीजें आप अपनी लॉस करते जा रहे हो, क्यों ना आप पे एंड अलाउंसेस जो आपका राइट है जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, आपका कोई चीज एक्सक्यूज नहीं होने वाला, सब चीज तो आप कर ही रहे, तो क्यों अपनी हक को जो आपके लिए है, आपके बीवी बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए जो हक है, यानी उनका फाइनेंशियल हक जो मिलता है वो आपके द्वारा मिलना चाहिए, उसको आप सेक्रीफाइस न करें। ठंडे दिमाग से सोचें, सामने जो चीज है वो तो है, उसको आप बदल नहीं सकते, पॉलिसियां बदल नहीं सकते, बट हाँ परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। दोस्तों ये बिल्कुल ऐसा है कि बहुत सारे लोग मुझे इस पर डाला कि सर इसके ऊपर क्या हो सकता है, मेरी ये राय है, मानना ना मानना आपका काम है। धन्यवाद दोस्तों।